नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज ITI फर्स्ट ईयर आपका वर्कशॉप क्वेश्चंस और इंप्रोवाइज स्किल के पेपर का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैंने ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चनों का एनालिसिस करा दिया आज के पेपर का, तीनों पारियों का। तो दोस्तों वो 40 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी में पूछे गए, अब आगे 40 क्वेश्चन आ रहे वो आज आपके इंप्रोवाइज स्किल व वर्कशॉप क्वेश्चंस साइंस में पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर आपकी कल एग्जाम है तो, या जिन बंदों ने एग्जाम दी आज वह भी इस पेपर का एनालिसिस करना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें और आगामी CBT एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको इन पेपरों की PDF फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ITI CBT एग्जाम के नाम से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था गति का सूत्र क्या है। दोस्तों गति का सूत्र होता है तय की दूरी बटा समय। अगला क्वेश्चन है एक मेट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। दोस्तों वो होते हैं आपके 735.5 वाट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तय तक चलती है तो कितना कार्य होता है। दोस्तों वो होता आपका 3750 जूल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। तो दोस्तों पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1। ये पेपर आज पूछा गया है, प्लीज़ आप अपने पेपर का एनालिसिस शुरू कर लो, मिला लो कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। दोस्तों उसे कहते हैं हम कैलोरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके लिए हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आज यदि एक रोड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। तो दोस्तों वो होगा आपका 1.75×10^-5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक वृक्ष जिसकी भुजा 18 सेमी है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल होगा 324 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आज ये तीनों पारियों क्वेश्चन आया था 12, 18, 6, 36 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों वो 36 होगा। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो दोस्तों वो तो आपकी विपरीत भुजा बटा कर्ण के बराबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 529 का वर्गमूल क्या है। ये तीनों पारियों पूछा गया था आज। तो दोस्तों वो 23 होता है इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें से ए धातु कौन सी है। तो दोस्तों ग्रेफाइट आपकी ए धातु है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये लगातार 3 दिन से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये आपका दूसरा ढलवा लोहा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका लोहा धातु। अगला क्वेश्चन है रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम उच्च कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम सेमी है क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। तो दोस्तों वो भी 19.5 होगा, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है इंड्यूज EMF के लिए सूत्र क्या होगा। दोस्तों वो होगा BLV साइन थीटा वोल्ट यानी सी, राइट आंसर। ये लगातार 3 दिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। अगला है कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो दोस्तों तांबा। ये क्वेश्चन भी लगातार 3 दिन से पूछा जा रहा है दोस्तों आज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कितने पावर की आवश्यकता है। ये दोस्तों आज तीनों पारियों में पूछा गया, धारा का मान देगा प्रतिरोध पावर की याद करें तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 100.2 वाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन है आपका एक साधारण मशीन में वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है। तो दोस्तों वो होता है आपका एफिशिएंसी। तो दोस्तों ये आपका वर्कशॉप क्वेश्चन का पेपर हो चुका है। अब इंप्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, मिलान जरूर कर लीजिए। अब एक पहला क्वेश्चन है एक रिज्यूम होना चाहिए। तो दोस्तों वो छोटा और सटीक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कोडिंग नंबर कौन सा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार 3 दिन से पूछा जा रहा है, दोस्तों इसमें 10 आएगा। अगला है निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहते हैं मशीनरी भाषा। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों इसे नौकरी का विवरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली में खालिस्तान होता है। तो दोस्तों क्या होता है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक ईमेल में प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसमें आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। दोस्तों वो जोड़ेंगे हम CC में। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन 3 दिन से पूछा जा रहा है, CPU से क्या तात्पर्य है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में किसी रो कॉलम के इंटरसेक्शन को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों इसे सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना खालिस्तान के अंतर्गत आता है। दोस्तों वो आती है आपका प्रश्नात्मक लिसनिंग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों इसे कहते हैं एथिक्स। अगला क्वेश्चन है एक मशीन जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों इसे हम उद्यमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है। तो दोस्तों वो आपका टैली।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज पूछा गया माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन्हें विनिर्माण उद्यम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कम उत्पादन खालिस्तान से, तो इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति GDP में कमी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज वाला, एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है? दोस्तों वो होता है आपका भूस्खलन। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं हम पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आज नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्री को की पुनः आपूर्ति को कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम सामग्री का पुनर्चक्रण। अगला क्वेश्चन पूछा गया ILO का विस्तार क्या है? तो दोस्तों वो होता है आपका ए, इसका राइट आंसर आएगा। अगला है फिश बोर्ड चार्ट को खालिस्तान भी कहा जाता है, कारण और प्रभाव आ रहे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया इसकी फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर आएगा डी। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ किसी कारणवश कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि नेट ऑफ रहेगा कल राजस्थान में रिट के एग्जाम के कारण, तो आप इन्हीं पेपरों का बार बार एनालिसिस करके जाना और मैं कल नाइट में पूरे दिन का पेपर का एनालिसिस कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।